नमस्कार प्रथम खबर सहित अपूर्व प्रथम हेडलाइंस कोरोना सम्मुख योद्धा अनुकूल क्रैश कोर्स आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामिल हे 26 राज्य में 111 प्रशिक्षण केन्द्र के सदस्य दिन 11 भिसी रे शुभारंभ गरीबों पर दुख आणला मौसुमी वायु कटका जो खोलुनी दुकान पाखरे नाही घर उपर घेर पॉलीथिन छता रेनकोट सह पॉलीथिन को अत्यावश्यक सामग्री तालिकार सामिल करने को दावी भारत को खूब शीघ्र मिल आउ एक टीका सेप्टेम्बर में देश में मिलपे नोवावैक्स वैक्सीन सेरम पक्ष उत्पादन पर प्रस्तुति शेष सेपटे जुलाई पिलां कोरोना टीकार ट्रायल करे सेरम जुलाई 31 सुधा सीबीएसई द्वादश श्रेणी रिजल्ट निर्धारित फर्मुला दिया जाए मार्क एवं युक्त दुई परीक्षा मूल्यायन उपरे नजर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद उपाध्यक्ष कहले मैट्रिक मार्क हेब बलिष्ठ मापकाठी कोरोना काल में उपांत अंचल आसला भल खबर गोटे ब्लक्र एक तृतीयांश गांव को छुई पारानी महामारी अंगनवाड़ी और आशा दीदी नॉनस्टॉप सचेतनता अभियान बालीगुड़ार कुटिकिया और सिंदिरी पंचायत संपूर्ण कोरोना मुक्त मारिबाकू मेडिसिन बालेश्वर नीलगिरी में शिशु जीवन सह खेल कोरोना होता 4 वर्ष पिला दिजाऊ एक्सपायरी औषध कहीं न शुणवु चाइल्डलाइन को खबर देले परिवार लोके एवं किए हे टेस्ट रकिंग हाई वोल्टेज टक्कर पर तैयार विराट वाहिनी आज इंग्लैंड रे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुहामु हेबे टीम इंडिया न्यूजीलैंड देखो संपूर्ण खबर आज कोविड-19 सम्मुख योद्धा अनुकूल क्रैश कोर्स कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री दिन 11 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री 26 राज्य में 111 प्रशिक्षण केन्द्र में यह कार्यक्रम शुभारंभ आयोजन कार्यक्रम आरंभ होगापर प्रधानमंत्री उद्बोधन देवे यह अवसर में केन्द्र दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री अंशग्रहण करेंगे यह कार्यक्रम एक लक्ष्य अधिक कोविड योद्धा मान कौशल और अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लक्ष्य रखी प्रशिक्षण में कोविड योद्धा मान 6 भिन्न भिन्न अनुकूल भूमिकार प्रशिक्षण दिजाव गृह चिकित्सा सहायता मौलिक चिकित्सा सहायता अत्याधुनिक चिकित्सा सहायता जरूरीकालीन चिकित्सा सहायता नमूना संग्रह सहायता और चिकित्सा उपकरण सहायता उपरे प्रशिक्षण दिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 रो केंद्रीय उत्पादन अंतर्गत एक स्वतंत्र कार्यक्रम भाव यह प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रस्तुत कर मोट 276 कोटी टंका व्यय कर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य मानव संबल आवश्यकता पूरण करने लगे यह कार्यक्रम दक्ष अणचिकित्सा स्वास्थ्य सेवा कर्मी मान सृष्टि कर बालेश्वर नीलगिरी में शिशु जीवन सह खेल कोविड आक्रांत होता 4 वर्ष पिला दिजाऊ एक्सपायरी मेडिसिन देवापर घटना को अभियोग पर भी होनी कार्यानुष्ठान शेष चाइल्ड लाइन को खबर देवापर घटनार तदंत आरंभ होता जमापड़े नीलगिरी अंचल कदम्ब साई अंचल कल्याणी नायकों 4 वर्ष झील असुस्थ होगापर गत 9 तारीख में नीलगिरी हस्पिटाल स्वास्थ्य परीक्षा करने कोविड आक्रांत थी जमापड़ा पर बालेश्वर हस्पिटाल गोटे दिन रहापर ताकू घरे संगरोधे रही डाक्तर परामर्श देते प्रेस्क्रिप्शन देखा डाक्तरखाना मेडिसिन आनी पर लोके घरे पाटी को बारंबार बांति हेबारु दिया जाइथिबा औषध देखा बेलू एक्सपायरी मेडिसिन पर लोके जानिबाकु पाइथिले अभियोग पर भी कौन कार्यानुष्ठान नहेबारु शेषे चाइल्ड लाइन 1098 अभियोग करने आज घटना को नहीं खोलताड़ आरंभ हो नीलगिरी थाना अधीन पदम साई ग्राम से गोटे पिला कोविड पॉजिटिव अच्छे बालेश्वर मेडिकल एक्सपर्ट मेडिसिन आम अभियोग से गाँव में पहुंचल पिला को बापा को देखा करूँ तो आम जानक पाइल कि पिलार जो मेडिसीन दि जाइए से मेडिसीन गोटे मस तार एक्सपायरडेट पड़ी और से मेडिसीन खाला पिला को बांति होपर पिलार बापा जाइए बालेश्वर सीडीएम को देखा करते सीडीएम कहते कि
ए विषय से किसी कोई परबे नहीं जहां भी तंगन कोई कर छ अभिजुक दोष करे पकिया पे दोष ए विषय में हमें घटना स्थल पे पहुंची एवं बुझलो एवं बालेश्वर शिशु कमिटी के विषय लिखित रूप में जाना। राउरकेलार स्वास्थ्य सेवा फेल। राउरकेलार नकली कोरोना मेडिसीन सांघातिक सत सामना को आसला परे खोलुछि स्वास्थ्य विभाग रे हुतवा दुर्नीतिर गोटे परे गोटे कला चिठा। सहर एवं यार आखपाखे बिना लाइसेंस रे चली अनेक मेडिसीन दुकान सर्टिफिकेट न थाई रोगी सेवा करुछंती अनेक नकली डाक्तर आउ एठी सबु जानी आखि बुझी बसिछंती ड्रग्स बोर्ड अधिकारी। स्वास्थ्य सेवा फेल। स्मार्ट सिटी रे नकली मेडिसिन रो साम्राज्य ना अच्छे डाक्तर को प्रेस्क्रिप्शन ना मेडिसिन किणवा को कौन अनुमति बिना डाक्तरी प्रेस्क्रिप्शन ने रोगी को मेडिसिन देउछंती दुकानी। राउरकेला एवं यार आखपाखे रही प्राय 1000 रु अधिक मेडिसिन दुकान किंतु अनेक मेडिसिन दुकान को मेडिसिन बिक्री करने को मिलनी सरकारी अनुमति नियम अनुसार से पाखे ना आवश्यक कागज एपरिक अनेक दुकान लाइसेंस रद्द हो सारे तथापि तो बेधड़क भावे खातिर नकरी चली मेडिसिन कारबार नॉर्मल तीन मास चार मास रे थरे गोटे केमिस्ट काउंटर को आस चेकिंग कर से आम कौन आम डिस्ट्रीब्यूटर किए सप्लाई दौन से कौटू मेडिसिन आने फर्जरी करके आणुवे कि राउरकेलार डिस्ट्रीब्यूटर किए भी से आम बिलिंग करूनु तेणु आम दाबी करूचु जो अथॉरिटी पाखरे जे तुरंत जो नकली ड्रग्स कौटी आसूची ये सप्लाई कौटू होलसेलर मैंने पाखे होलसेलर मैंने पाखु केमी दुकान को जाऊँगी से संपर्क गोटे तदन हवा दरकार और जो मैंने दोषी ता विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। मेडिसिन दुकान में बिक्री होता ड्रग्स जांच पाई अच्छा ड्रग्स कंट्रोलर बोर्ड इंस्पेक्टर एवं कर्मचारी सेम क्रमगत भाव प्रत्येक मेडिसिन स्टोर होलसेलर का तथ्य रखा सह दुकान दुकान बुली ड्रग्स को जांच करवा कि आश्चर्य दिने हेले भी ड्रग्स इन्स्पेक्टर का पाद पड़ूनी ड्रग्स दुकान रे किंतु आश्चर्य दिने हेले भी ड्रग्स इन्स्पेक्टर का पाद पड़ूनी ड्रग्स दुकान रे एपरिक लाइसेंस न थाई चलुवा मेडिसिन स्टोर रो तथ्य मध्य नाही बाबू को पाखरे जहार सांघातिक परिणाम गत किछि दिन हेबो आसी कटक रु आसी नकली कोरोना मेडिसिन बिक्री होउची राउरकेला शहर रे केवल मेडिसिन दुकान नुहे शहर रे अछंती अनेक बेनामी डिग्री धारी नकली डाक्तर डाक्तरी पाठ न पढ़ी रोगी सेवा करिवा सो लोकंकु देउछंती मेडिसिन। ड्रग डीलर काम जेबे चाहिबे तांकर जेते बेले कौन दुकान सन्देह आसब कि जानवे से चाहिए सब दुकान जिते टाइम से जाकि इन्स्पेक्शन करेंगे किंतु जनरली सरकारी नियम अनुजाई गोटे डिपार्टमेंट अंडर बहुत दुकान आम आम ड्रग मिनिस्टर अंडर मिनिमम 1000 दुकान अच्छी 700 दुकान अच्छी तेणु से ही व्यवधान हेल्ले प्रति तीन मस गोटे गोटे दुकान पड़िया कथा तबे प्रश्न उठू लोकों जीवन सह सांघातिक खेल खेला जाता बेले कौन नीरव ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड स्थानीय अधिकारी जांच न करबा पाई मिलुची मोटा अंकर लांच ना ऊपर प्रेशर केते लोक नकली डाक्टर पाखरे चिकित्सा होई किबा नकली मेडिसिन खाई मृत्यु मुखरे पडुचंती ता उपरे तदंत करिवो किए। अरकलारु अमीर रंजन परिणाम का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आपण देखुछंती प्रथम खबर समयचिक ब्रेक रो स्वागत। सारा विश्व में कोरोना काया विस्तार करिछे। कोरोना रे संक्रमित हो अनेक लोक सुस्थ होता बेले बहु लोकों जीवन जाइए आउ एतिक बेले उपांत अंचल आसुची भल खबर। गोटे ब्लक एक तृतीयांश गाँ को छुई पारिनी कोरोना। कंधमाल बालीगुड़ा देखा ग्राउंड रिपोर्ट कोरोना बहु दूर रे। कंधमाल जिला बालीगुड़ा ब्लक उपांत इलाका कुटिकिया एवं सिंदिरी ग्राम पंचायत संपूर्ण कोरोना मुक्त। यहसह खमनखोल पंचायत और अन्य पंचायत गाँ गुड़िक छुई पारिनी कोरोना। 14 ग्राम पंचायत में रही 250 राजस्व गाँ हेले एजाए भी 207 गाँ को माड़ी पारिनी महामारी जेउठी रही 13 अधिक राजस्व आदिवासी गाँ। उपांत आदिवासी अंचल हेले भी महामारी को नहीं सचेतन अछंति लोके सरकार कोविड नियम को लोके कड़ाकड़ी पालन करुथिबा देखिबा को मिलिछि। मास्क पिंधिबा सामाजिक दूरता बजाय रखिबा
ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା, ଅଯଥା ଭିଡ଼ ନ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆମର ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କୁଟିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଆମର ଯେତିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବି କରୋନା ପଜିଟିଭ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ କେହି ପଜିଟିଭ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ବଡ଼ ଗାଁ ହେଉଛି ମୋର ଏ 118 ପରିବାର। 118 ପରିବାରରୁ ଆମେ ଆଶା ସହିତ ମିଶିକରି ଦିନକୁ 20 ଘର ଲେଖାଏଁ କରୁଛୁ। ସେ 20 ଲେଖାଏଁ ଘର କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ପଜିଟିଭ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଆମେ ଡୋର୍କୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେଉଛୁ, ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ, VHND ମାଧ୍ୟମରେ, ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେଉଛୁ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ସହରର ଚାକଚକ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ହିଁ ଲୋକେ ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସହ ଚାଷ କାମ ଓ ମନରେଗା କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଶା ଦିଦି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ ଜଣେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି କରୋନା। ଆଶା ଦିଦି ମାନେ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମାନେ, ଓଏଲ୍ଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁରେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି କରୋନା ସଚେତନତା ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମରେ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଲୋକରୁ ଆଉ 5 ଲୋକକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଆମେ ଦେଇନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଟା ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏଥର। ତାଛଡ଼ା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ନେଲେଣି, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହି ରୋଗ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରିନି। ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଲୋକ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆଶା ମା କୁହନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା କରୋନା ମହାମାରୀ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଏନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଗାଁରେ କାମଦାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମକୁ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ତତ୍ସହିତ ସେମାନେ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖିବାର ନଜର ଆସିନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯାଇକି ସେମାନେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗାଁ ଗାଁ ଆଶା ଦିଦି ବି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇ ଦେଇ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବି ଯାଇ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ସଚେତନ ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମହାମାରୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି, ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନି କରୋନା। ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ସହ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳୁଛି ବିଶ୍ୱକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇସାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଶାବ୍ରତୀ ଖବରକୁ ଆଜି ଆସିପାରେ ୟୁଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେମିତି ହେବ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ତାକୁ ନେଇ ବାହାରିପାରେ ନିଷ୍କର୍ଷ। ଗତ 12 ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ କୁଳପତିମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କୁଳପତିମାନେ ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 7 ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି 7 ଶେଷ ହେଉଛି, ତେଣୁ ୟୁଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୁଳପତିମାନେ ରଖିବେ। ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସତରୂପା, ଆଜି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟୁଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିବ। ଆଜି ଦିନ ସକାଳ 10 ସମୟରେ ବୈଠକ ପୁଣି ଥରେ ବସିବ। ଆଉ ଗତ 12 ଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ମାନଙ୍କ ସହିତ
विभागीय मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री बैठक बैठक बसिथिले वर्चुअल बैठक होइतला एवं से दिन गत 12 तारिख दिन समस्त कुलपति मानंकु निर्देश दिया जाइतला 7 दिन रो मोहलत दिया जाइतला समस्त छात्र छात्री मानंक सहित आलोचना करिवे जो परीक्षा हेबो यूजी एवं पीजी रो ता ऑफलाइन रे हबो ना ऑनलाइन रे हबो ताकू नहीं छात्र छात्री मानंक सहित आलोचना करी से माने उच्च शिक्षा विभाग रे एक चुडांत रिपोर्ट देबे एवं आज से रिपोर्ट रो आधार रे आज से 7 दिन पुरुची आज से माने रिपोर्ट देला परे आज उच्च शिक्षा विभाग तरफ रु कोन निष्कर्ष आसुची ता देखिवार बाकी रहला कारण परीक्षा हेबो किभली भाबरे किंतु परीक्षा हेबो ऑफलाइन रे छात्र छात्री परीक्षा देबा पई चाहौचंती ना ऑनलाइन रे देबा पई चाहौचंती एवं पूर्वतर मध्य गत 12 तारिख रे जहां उच्च शिक्षा विभाग तरफ रु कोहा जाईतला परीक्षा हेबो ऑफलाइन रे हो बा ऑनलाइन रे हो परीक्षा हेबो एवं छात्र छात्री माने प्रस्तुत रुहंतु बोली जहां मंत्री मध्य से दिन उच्च शिक्षा विभाग मंत्री मध्य से दिन निजर प्रतिक्रिया रखिथिले आज 7 दिन पुरुची एवं 7 दिन आज 10टा समय रे सकाळ 10टा समय रे पुनी थरे वाइस चांसलर मानक सहित पुनी थरे बैठक बसिबो बैठक बसला परे कोन निष्कर्ष बाहरछि ता देखिवार बाकी रहला यूजी एवं पीजी परीक्षा आगामी दिन रहबो त महामारी समय रे जदि ऑफलाइन रे परीक्षा होउछि केते चैलेंज रहबो ऑनलाइन रे जदि परीक्षा होउछि छात्र छात्री मानक पाखरे उपांत इलाका रे अनेक छात्र छात्री रहउछन्ती सेमानु किभली भाब रे ऑनलाइन रे जते बेले परीक्षा हेबो सेमानक पाखरे किभली भाब रे सब जिंस अनुसंख्य सुविधा पहुंचा जइबो तमाम व्यवस्था पर नजर रहिछि जे आजि कोन निष्पत्ति सामना को आसुछि जेहेतु पूर्वर मध्य आलोचना हो सारी कुलपति मान सहित मंत्री आलोचना कर 7 दिन समय दि जाइला तो क्यों भाव कौन निष्पत्ति कौन निष्कर्ष आसूर वर्तमान समस्त नजर बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुपा सामंतराय आम प्रतिनिधि जे कि पूरा अपडेट देखते बुलेटिन समय आउ एक ब्रेक रहा ब्रेक पुणि थे स्वागत रास्तार भासिला एसीड नयागढ़ जिला चांदपुर 16 नंबर जातीय राजपथ रॉयल कॉटेज होटल निकट रे एक हाइड्रोक्लोरिक एसीड भर्ती टैंकर जांत्रिक त्रुटि लगी एसीड लीक होता वर्तमान सुधा चली एसीड लीक को रोकवाक उद्यम सूचना मुताबक गुरुवार राति नटघटिका पखापाखि गंजाम रु हाइड्रोक्लोरिक एसीड भर्ती एक टैंकर कोलकाता अभिमुखे जाता बेले चांदपुर थाना 16 नंबर जातीय राजपथ अंतर्गत रॉयल कॉटेज निकट रे टैंकर भाल्वटी भांगी जाता फलरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीक हो राजपथ में बहुत लगी संगे संगे खबर पाई चांदपुर आईआईसी रश्मिरंजन दास सदल बदल घटनास्थल में पहुंची प्रथम गाड़ी को रोड पार्श्वक नहीं जातीय राजपथ ब्लॉक करी आखपाख अंचल को तुरंत जनसाधारण को खाली करते प्रथमे आमर टांगी यूनिट रु गोटे यूनिट आसी पहुँचला तो तापर आम फलोड बाय खोर्धा खोर्धा गोटे यूनिट एक आसी बर्तमान आम तार जो जिनस एसीडा जो लिक् होमर टेक्निकल टीम आसू भल्टा के सटन कर डिकैंटिंग कराव तो से आम आम दुटा टीम स्टाण्ड बैक रही आउ किसी असुविधा जमीन न हुए तथा आम पुलिस और फायर दिज जाक दुटा उभय टीम सब विक्रम साहू हम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पे विक्रम वर्तमान सिचुएशन कौन तो खोर्धा चांदपुर निकट रे घटना देखा मिली दुर्घटना पर टैंकर भाव एसीड लीक होता कि परवर्त समय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुंची परिस्थिति को नियंत्रण को नहीं आज आरंभ हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्र फाइनाल मैच आई घोषणा होती भारतीय दलर चूड़ांत एकादश अधिनायक विराट कोहली मैच गोटे दिन पूर्व फाइनाल भाग ने खेला ना घोषणा करनिज पेस बोलर और दुईज स्पिनर को नहीं पड़िया को ओल्लब टीम इंडिया रवींद्र जाडेजा और आर अश्विनी को सामिल करपरी पेस बोलर भाव ईशांत शर्मा मोहम्मद सामी और बुमराह को मिली सुजोग न्यूजीलैंड विपक्ष में खेल ऐतिहासिक मुकाबलें रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करिबे। शुभमन गिल गत वर्ष ऑस्ट्रेलिया ग्रस्त में भल प्रदर्शन करते पर लगातार टेस्ट मैच खेली आसुचारेपरी ऋषभ पंत प्लेइंग इलेवेन में निजर स्थान पक्का करपरी चेतेश्वर पुजारा आजिंक राहाणे चूड़ांत एकादश में सामिल होती जार चित्र सामना को आसी
समस्त ऋषि प्रथम खबर को एठ रखुछु। नमस्कार।